नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने ट्यूबवेल ऑपरेटर यानी नलकूप चालक की लगभग लगभग सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है और दोस्तों इसके लिए जिला आवंटन का कार्य अभी भी बचा हुआ है। तो दोस्तों, नलकूप चालक की तरफ से आपका सिंचाई विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ रहा है और दोस्तों इसमें शेड्यूल आया है कि आपका जो जिला आवंटन है वो कब से कब तक चलने वाला है और इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सही समय से मिलती रहे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंचाई विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। और दोस्तों, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये जो अपडेट है ट्यूबवेल ऑपरेटर, यहाँ पहली अपडेट आप देख पाएंगे ट्यूबवेल ऑपरेटर डिवीजन अलॉटमेंट शेड्यूल, जो कि आज ही जारी किया गया 27/2/2020 को आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, हम ले चलते हैं आयोग द्वारा जारी की गई इस पीडीएफ में, जो कि 304 KB की है और हिंदी मीडियम में है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पाएंगे, यह जो है लखनऊ की तरफ भेजी गई है। मुख्य अभियंता लखनऊ एंड अध्यक्ष खंड आवंटन समिति सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा भेजी गई है दोस्तों। और फ्रेंड्स, आप यहां पे देख पाएंगे इस पर सारा कुछ लिखा हुआ है। कृपया उपरोक्त विषय उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई गई ग्रेडेशन लिस्ट तथा खंडवार रिक्तियों की सूची सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने संबंधी विज्ञप्ति व प्रतियों में सीडी सहित इस अनुरोध के साथ प्रसिद्ध किया है। कृपया इसका प्रकाशन प्रदेश के 4 ख्याति प्राप्त समाचार पत्रों में तथा 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में 2 बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें। कहने का मतलब दोस्तों, ये वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दिया गया है और इसके बाद आपका जो न्यूज़पेपर है, जो आपके काफ़ी राष्ट्रीय लेवल और आपका क्षेत्रीय लेवल जो काफ़ी अच्छे न्यूज़पेपर हैं, उनके में प्रकाशित करवाया जाएगा। ये सारी डिटेल इस पर आने वाली है दोस्तों, क्योंकि सभी लोग वेबसाइट पर विजिट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए दोस्तों न्यूज़पेपर में भी आएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाएंगे सिंचाई विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा है, सिंचाई विभाग में नलकूप चालकों के चयन की ग्रेडिंग लिस्ट अथवा खंडवार आवंटन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा है, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के यांत्रिक संगठन में नलकूप चालक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई गई ग्रेडेशन लिस्ट सिंचाई विभाग की वेबसाइट www.idup.gov.in पर उपलब्ध है। दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अब विज्ञापन में खंडवार नलकूप चालकों में रिक्त पदों की सूची भी इस वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ दिया है और आप यहाँ पे आगे देख पाएंगे, चयनित अभ्यर्थियों से पहचान की जाती है कि वेबसाइट पर ही अपलोड किए गए प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकंड को डाउनलोड कर हार्ड कॉपी कर उसमें वांछित प्रविष्टियाँ सूचनाएँ भरकर तैयार रखें। यह भी अपेक्षित है कि खंड आवंटन की प्रक्रिया दिनांक 16 मार्च 2020 से प्रारंभ की जाएगी। 16 मार्च से दोस्तों आपकी जिला आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, याद रखिएगा, जिसका संपूर्ण विवरण कार्यक्रम सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो कि मैं अब दिखाने वाला हूं। और यहां पे आप देख पाएंगे, किसी अन्य जानकारी की हेतु अभ्यर्थी विभागीय टोल फ्री नंबर 1880 और 5450, दोस्तों इसे आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देख पाएंगे पे प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये लिस्ट क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे देख पाएंगे, ये दोस्तों लिस्ट वो है जहाँ पे रिक्तियों का पूरा ब्यौरा है। यहाँ जिला दिया है दोस्तों, जिला के बाद आपका पूरा रिक्तियों का विवरण दे रखा है, जनरल ओबीसी एसटी जो भी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे सारा सब कुछ मेंशन है। इस तरह से आप यहाँ पर नीचे देख पाएंगे तो यहाँ पर सारी जिलों का विवरण दे रखा है, कहाँ पर कितने वैकेंसीज हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, 73 लिस्ट हैं, 73 जिलों हैं, जिले हैं जिनका ब्यौरा यहाँ पे दे रखा है, और कुल मिला के 3210 जैसा कि आयोग ने चयनित किया था अभ्यर्थियों को। तो दोस्तों, ये लिस्ट जारी कर दी है, यहाँ से आप देख सकते हैं आपको कैसे क्या करना है, प्रेफरेंस भरना है, आगे प्रेफरेंस का भी ऑप्शन मैं दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये सिंचाई एवं जल संसाधन में उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा सिंचाई विभाग के यांत्रिक संवर्ग में चयनित नलकूप चालकों को खंड आवंटन का कार्यक्रम है। और दोस्तों, ये कार्यक्रम आपका दोस्तों ये कहाँ पे चलने वाला है, खंड आवंटन स्थल जो है वो राम मनोहर लोहिया परिकल्प भवन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तेलीबाग लखनऊ, दोस्तों यहाँ पे इसका जो है वो संपन्न होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। और जो आपकी टाइमिंग है वो इस प्रकार है, प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक आपका पंजीकरण होगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे, और इसके बाद खंड जो आवंटन होगा वो 11 बजे से शुरू होगा। और दोस्तों, जहाँ से देख पाएंगे 16 मार्च से स्टार्ट है, 16 मार्च 2020 से यानी सोमवार से आपका चालू हो जाएगा,
जिसमें लोग दोस्तों सबसे पहले दिन आपको 200 कैंडिडेट को बुलाया गया है। फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे 17 मार्च को उनका संकलन व संपादन कार्य भी होगा। इसके बाद आपका है 18 तारीख को, कुछ कुछ कैंडिडेट का दोस्तों किया जाएगा, एक साथ होना संभव नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा PDF है जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे 7 अप्रैल तक चलने वाला है। लास्ट आपका 7 अप्रैल तक 3,210 कैंडिडेटों का अलॉटमेंट कंप्लीट करवा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्रारूप की बात कर रहे थे, प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकंड, तो प्रारूप फर्स्ट ये है दोस्तों, यहाँ पे अपना फोटो वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं पे जमा करने होंगे। यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, आप जन्मतिथि, रोल नंबर, रेफरेंस नंबर, योग्यता सूची क्रमांक संख्या लिखना है, स्थायी पता लिखना है, ये सारी डिटेल आपको इस फॉर्म में भरनी है। इसके बाद इसको आपको दोस्तों वहीं पर जमा करना है, तेलीबाग लखनऊ पे, ठीक है ना दोस्तों। ये सारा मेंशन आपको करना है। और दोस्तों आप यहाँ प्रारूप दो को देख लीजिएगा, ये प्रारूप दो है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेफरेंस डालने हैं किस ज़िले पे आपको पहले ज्वाइन करना है। ये आप दोस्तों देख पाएंगे ये प्रेफरेंस पूरा शेड्यूल है। ये लगभग 73 ज़िले हैं जिनको आपको प्रेफरेंस दे सकते हैं। 73 मैंने अभी आपको को दिखाया था, इस 73 ज़िलों पे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं जहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। तो ये सारी डिटेल, ये दो प्रारूप हैं, इनको आपको डाउनलोड करना है। और दोस्तों इसका प्रिंट आउट निकाल के वहाँ पर आपको ये सारी जानकारी भरने के बाद वहाँ पर सबमिट करना है। तो दोस्तों ये आपका शेड्यूल्ड है जो कि आपने देख लिया है, जो कि आपको 7 अप्रैल 2020 तक चलने वाला है। तो दोस्तों ये अपडेट सिंचाई विभाग नलकूप चालाब की तरफ से निकल कर आ रही है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो कैसी लगे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को फटाफट शेयर भी कर दीजिए जी। दोस्तों धन्यवाद।